फ्रेंड्स, वेलकम टू जब्बा शॉपिंग। मैं हूं SM। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज मैं आपको डेमो दूंगा यूरेका फॉर्ब्स के मॉडल यूरोक्लीन बुलेट का। ये एक बहुत ही पुराना मॉडल है और अब तो ये विलुप्त हो चुका है, लेकिन मैंने इसे एक कबाड़ी की शॉप से ख़रीदा है। नहीं भाई, 150 में नहीं, मैंने इसे 1000 में ख़रीदा है। और आप सोच रहे होंगे कि जब ये मॉडल बंद हो चुका है तो मैं इसका वीडियो क्यों बना रहा हूँ। वो इसलिए कि इसका रीज़न ये है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। वो भी यूरेका फॉर्ब्स का सुपर लाइट मॉडल है और वो 800 वाट का है और ये 1300 वाट का है। तो मैं आपको फ़र्क दिखाना चाहता हूँ कि उसके सक्शन पावर में और इसके सक्शन पावर में कितना फ़र्क है। तो इसमें जो फ़र्क है उसके दो रीज़न है। पहला ऑब्वियस रीज़न तो यही है कि ये 1300 वाट का है और वो 800 वाट का है, यानी 500 वाट का फ़र्क है। और दूसरा रीज़न ये है कि ये जो है ये एक पुराना मॉडल है और वो नया मॉडल है। तो पुराने मॉडल में जो बाइंडिंग होती थी, चाहे जो भी आप ले, चाहे फैन की मोटर की बाइंडिंग ले, चाहे आप वाटर पंप की मोटर की बाइंडिंग हो जाए, चाहे मिक्सर की बाइंडिंग हो जाए, या फिर जो भी मोटर्स हैं, वैक्यूम क्लीनर हो जाए, जिसकी भी बाइंडिंग हो, पहले वो कॉपर की हुआ करती थी, लेकिन अब कॉस्ट कटिंग की वजह से आप बड़े से बड़ा ऊंचे से ऊंचा मॉडल लीजिए, ऊंचे से ऊंचा ब्रांड लीजिए, उसमें जो बाइंडिंग है वो कॉपर की नहीं है। अभी उन सब में बाइंडिंग जो है तो सिर्फ एल्यूमिनियम की होती है, एल्यूमिनियम के वायर की उनके मोटर्स में बाइंडिंग होती है। इससे भी फ़र्क पड़ता है, इससे भी मोटर के पावर में, चाहे फ़ैन हो, चाहे मिक्सर हो, चाहे वैक्यूम क्लीनर हो, इनके पावर में फ़र्क पड़ता है और इनकी लाइफ में भी फ़र्क पड़ता है, इनकी लाइफ भी कम हो जाती है। तो ये मॉडल है यूरेका फॉर्ब्स का यूरोक्लीन और ये 1300 वाट का है। इसका सक्शन पावर है 330 वाट और इसका वैक्यूम प्रेशर है 22000 पास्कल और इसका एयर फ्लो है 36 लीटर पर सेकंड। इसका एयर फ्लो है। तो चलिए मैं इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये मॉडल तो बंद हो चुका है, और इसका ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको एक 1300 वाट और 800 वाट के वैक्यूम क्लीनर के बीच में जो फ़र्क है वो दिखा दूँ। तो ये मॉडल तो बंद हो चुका है, इसलिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकता, लेकिन इससे सिमिलर मॉडल्स जैसे 1300 वाट, 1400 वाट, 1500, 1600 ऐसे मॉडल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगा, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको इसे चार अलग अलग जगह यूज़ करके दिखाऊँगा। एक ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर रेत के बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं, तो मैं यहाँ पर इसे चला कर दिखाऊँगा, और ऊपर जहाँ की प्योरली डस्ट है, सिर्फ धूल है, मैं वहाँ पर इसे चला कर दिखाऊँगा। तीसरे मैं इसे आपको रेलिंग पर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि रेलिंग पर धूल माउंट हो जाती है, तो मैं वहाँ इसे चला कर दिखाऊँगा। और फाइनली मैं इसका ब्लोइंग पावर आपको दिखाऊँगा। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ ये जो रेलिंग आपको दिखाई दे रही है इस पर धूल है, ठीक है, और नीचे जो आपको फ्लोर दिखाई दे रहा है इस पर भी धूल है। तो हम इसे इस रेलिंग पर भी और उस फ्लोर पर भी चला कर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स, ये है वो रेलिंग जिसे हम अभी अभी साफ़ कर चुके हैं और ये वो फ्लोर है। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से उसे साफ कर रहा था और ऊपर से स्टेयर से इसलिए जगह भी बहुत कंजस्टेड है इसलिए मैं इसे पूरी तरह साफ़ नहीं कर पाया। वैसे मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था वो तो पूरा हो चुका है, मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये किस तरह से साफ़ करता है। और आइए अब हम इसका ब्लोइंग पावर देखते हैं। व्यूअर्स, ऐसे लगता है जैसे हम अंधेरे से निकल कर रोशनी में आ गए। तो मैं ये यहाँ पर आपको इसका ब्लोइंग पावर दिखाने के लिए लाया हूँ। ये वीडियो मैं 4-5 दिन पहले ही बना लेता लेकिन 4-5 दिन पहले बारिश हो गई थी और उसकी वजह से ये जो पूरी धूल है पानी से बहकर यहाँ से वहाँ पर जाकर जम चुकी है। तो आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा यूरेका फोर्ब्स का यूरो क्लीन बुलेट 1300 वाट। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।